फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घर की रसोई में दीपिका। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर खुरचन, जिसके लिए हमें चाहिएगा पनीर, हमारे चॉप टमाटोज, बटर, ये मैं अमूल का बटर यूज़ कर रही हूँ। साथ में जाएंगे ऐसे हमारे लंबे लंबे काटे हुए शिमला मिर्च और लंबे काटे हुए प्याज, और ये जाएंगे चॉप्ड अनियन, जिंजर, ये चिलीज हैं हरी हरी मिर्च लंबी लंबी काटी हुई पतली पतली, ये रेड चिली, जीरा पाउडर, गरम मसाला, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, ये साबुत लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, फ्रेश कोरिएंडर, थोड़ी सी हमारी जाएगी इस कसूरी मेथी और थोड़ी सी जाएगी हमारी फ्रेश क्रीम। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन लेंगे, पैन में डालेंगे थोड़ा सा बटर, बटर के साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये जो हमारी देगी मिर्च है इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन इसमें डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। इसमें करेंगे हम अपने पनीर को थोड़ी देर रोस्ट, हल्का हल्का सॉटे करेंगे, ये मीडियम फ्लेम है। इसे 2 से 3 मिनट हम रोस्ट करेंगे हल्का। ये हमारा हो गया है सॉटे, अब इसको निकालेंगे हमारे पैन में। अब इसी पैन में हम थोड़ा सा बटर और डालेंगे, और अब इसमें हम जो अपनी ये शिमला मिर्च है और जो प्याज है इनको सॉटे करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि क्या क्या चीज़ कितना कितना डाला है। यहाँ हमारे प्याज और शिमला मिर्च भी हो गया रोस्ट, अब इसको भी हम निकालेंगे उसी बाउल में। अब इस पैन में डालेंगे हम बटर, थोड़ा सा ऑयल, आप चाहे तो बटर की जगह देसी घी भी यूज कर सकते हैं। इसमें जाएगा हमारा जीरा, खड़ी लाल मिर्च, साथ ही इसमें जाएगी हमारी हरी मिर्च काटी हुई, हमारा गार्लिक चॉप किया हुआ बारीक, और अदरक, जिंजर, इनका कच्चापन निकलने तक इनको हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम अपना चॉप्ड अनियन यानी कि प्याज, ये प्याज हमारे हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे अपने चॉप किए हुए टमाटो यानी कि टमाटर, बारीक बारीक चॉप किया हुआ है मैंने, और इसके साथ इसमें डालेंगे हम अपना नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ हमारे टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट होने शुरू हुए हैं, अब इसमें हम अपने सारे मसाले डाल देंगे, ये देगी मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप लाल मिर्च को रहने दे दें, क्योंकि इसमें हरी मिर्च है वो स्पाइसी है, और अगर तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च और बढ़ा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसे हम 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे ताकि ये ऑयल रिलीज कर दे।
ये हमारे टमाटरों ने ऑयल रिलीज कर दिया। इसमें ऐड करेंगे हम अपने सॉटे किए हुए वेजिटेबल, जो पनीर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, वो अभी इसमें हम डालेंगे और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको एक से दो मिनट कुक करेंगे बस मीडियम फ्लेम पे ही। हमारा जितना काम हुआ है सब मीडियम फ्लेम पे हुआ है। इसके अंदर हम डालेंगे अपना हरा धनिया, कसूरी मेथी, लास्ट में इसमें डालेंगे हम क्रीम। ये फ्रेश क्रीम है अमूल की। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की बनी हुई मलाई भी डाल सकते हैं। इसको करेंगे हम एक से दो मिनट के लिए कुक। ये हमारी पनीर खुरचन रेडी। अब इसको निकालेंगे हम अपने बाउल में। ये हो गया हमारी पनीर खुरचन रेडी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज। थैंक यू।